हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैंडीक्राफ्ट चैनल। इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने के लिए हमें चाहिए क्ले और डिज़ाइन के लिए पेन या पेंसिल। हम पेट को बनाकर यहाँ रख देंगे। अब हम इसके बाद सून बनाएंगे। अब हम थोड़ा क्ले लेंगे और इस क्ले से हम सून बनाएंगे। सून बनाने के लिए हम इस तरह से मिट्टी को आकार देंगे। इस तरह से हम इसे थोड़ा सा दबाएंगे और यहाँ पर धीरे धीरे गोल करेंगे। हम इस फेस को यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अब हम गणेश जी के पैर बनाएंगे। पैर बनाने के लिए हम थोड़ा क्ले लेते हैं। इस क्ले को हाथों से लंबा करेंगे इस तरह से। अब हम उन्हें ऐसे यहाँ से लगाकर इस तरह से कर देंगे और यहाँ से ऐसे दबाएंगे और फिर पेन से इनके फिंगर्स निकाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा पैर भी बनाएंगे। अब हम गणेश जी का हाथ बनाएंगे। हम क्ले लेंगे और इससे थोड़ा सा लंबा करेंगे। हमें जिस तरह का भी आकार देना है हम उतना ही हाथ बनाएंगे। हाथ को हम यहाँ से कंधे से टच करेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे। अब हम पेन की मदद से इनकी फिंगर्स बनाएंगे। हमने इस तरह से गणेश जी के दोनों हाथों को बना दिया है और एक हाथ पर मोदक रख दिया है। अब हम गणेश जी के कान बनाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा क्ले लेंगे। क्ले को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से, और यहाँ से इसे कान का लुक देंगे। अब हम कान को इस तरह से यहाँ पर फेविकोल की मदद से चिपकाएंगे। गणेश जी के दोनों कानों को फेविकॉल से चिपका दिया है। अब हम गणेश जी की आंखें बनाएंगे। आंखें बनाने के लिए हम पेन या पेंसिल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम डॉट डॉट कर आंखों का शेप बनाएंगे। गहरा कर देंगे इस तरह से। अब हम इस तरह से आंखें बना लेते हैं। आंखों के बाद हम सूंड पर भी इसी तरह के टेक्सचर्स देते हैं। हम पहले डॉट से बनाएंगे, इस तरह से। अब हम इन पर इस तरह से पत्ती का टेक्सचर्स देंगे। इस तरह से हमारे इको फ्रेंडली गणेश जी तैयार है। आप गणेश जी को और सुंदर बनाने के लिए कोई भी मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इस गणेश चतुर्थी इको फ्रेंडली गणेश जी बनाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। अगर आप हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी और भी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please subscribe and watch this video and share your comment.